जेलेन अस्पताल के आपातकालीन विभाग के सामने एक गार्डन बहुत दिनों से बंद था। कई बार प्रयत्न हुआ, लेकिन वर्तमान अस्पताल के प्रशासन, यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के सुप्रेंट और इनकी टीम ने सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार किया, दरवाज़ा खोला, अटेंडेंट आकर के बैठने लगे, भोजन करने लगे। उनके यहाँ व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार होता रहे और लगातार हो रहा है, उसके तहत आज यहाँ पर SBI ने लगभग 4 लाख रुपए की लागत से यहाँ 20,000 लीटर RO का पानी मरीजों और उनके अटेंडेंट को मिल सके, इसके लिए उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा ये प्लांट लगाया है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्यों बैंक केवल डिपॉजिट नहीं करता, जनहित के कामों में भी उसका कुछ प्रतिशत खर्च होता है, उसके अंतर्गत इन्होंने किया, इसे इनका आभार। साथ में यहाँ प्रत्येक जब मरीज आता है वह कुछ तो दवाई से ठीक होता है, कुछ दुआ से भी होता है, तो दवा और दुआ का समागम यहाँ पे प्राचीन जो शिव जी की एक शिवलिंग था उसका यहाँ पे जीर्णोद्धार किया है विधिवत। आज उसके सामने पूरा मंदिर का स्वरूप प्रदान किया है, जहाँ पे आराम से जिनकी आस्था है वे आकर के पूजा अर्चना भी कर सकें, भगवान का नाम शिव जी का आशीर्वाद भी ले सकें और वह ठीक होने की कामना भी कर सकें। ऐसे यहाँ पे आज जीर्णोद्धार उसका मंदिर का हुआ है। आज जेलेन अस्पताल के आपातकालीन विभाग के सामने एक गार्डन बहुत दिनों से बंद था। कई बार प्रयत्न हुआ, लेकिन वर्तमान अस्पताल के प्रशासन, यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के सुप्रेंट और इनकी टीम ने सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार किया, दरवाज़ा खोला, अटेंडेंट आकर के बैठने लगे, भोजन करने लगे। उनके यहाँ व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार होता रहे और लगातार हो रहा है, उसके तहत आज यहाँ पर SBI ने लगभग 4 लाख रुपए की लागत से यहाँ 20,000 लीटर RO का पानी मरीजों और उनके अटेंडेंट को मिल सके, इसके लिए उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा ये प्लांट लगाया है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्यों बैंक केवल डिपॉजिट नहीं करता, जनहित के कामों में भी उसका कुछ प्रतिशत खर्च होता है, उसके अंतर्गत इन्होंने किया, इसलिए इनका आभार। साथ में यहाँ प्रत्येक जब मरीज आता है वह कुछ तो दवाई से ठीक होता है, कुछ दुआ से भी होता है, तो दवा और दुआ का समागम यहाँ पे प्राचीन जो शिव जी की एक शिवलिंग था उसका यहाँ पे जीर्णोद्धार किया है विधिवत। आज उसके सामने पूरा मंदिर का स्वरूप प्रदान किया है, जहाँ पे आराम से जिनकी आस्था है वे आकर के पूजा अर्चना भी कर सकें, भगवान का नाम शिव जी का आशीर्वाद भी ले सकें और वह ठीक होने की कामना भी कर सकें। ऐसे यहाँ पे आज जीर्णोद्धार उसका मंदिर का हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के केलेन के अस्पताल के जितने कर्मचारी हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, उनको तो भगवान आशीर्वाद देगा ही, साथ में चूँकि संभागीय अस्पताल है, पूरे संभाग के जो लोग यहाँ पे मरीज आएंगे उनके साथ अटेंडेंट आएंगे, उन सबको भी भगवान आशीर्वाद देगा, यहाँ से जल्दी ठीक होकर के अपने जीवन के यापन के लिए यहाँ से जाएं। आज उसके लिए मैं यहाँ के अस्पताल के प्रशासन, SBI के मैनेजर और यहाँ पे आए हुए सभी मेरे साथीगणों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भगवान भोलेनाथ सबके मनोकामना पूरी करें।